औषधि विभाग की मिलावटखोरों पर छापेमारी का अभियान जारी। त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग की मिलावटखोरों पर छापेमारी का अभियान जारी है। अब तक टीम ने 14 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। 85 किलो बूंदी को करवाया विभाग ने नष्ट। अवैध तरीके से सरसों के तेल की मैन्युफैक्चरिंग की सूचना पर छापेमारी कर दुकान को किया गया सीज। बाहर से तेल मंगाकर बोतलों में करते थे पैकिंग। जांच के दौरान दुकान में भी नहीं मिला सरसों का एक दाना। ऐसे लोगों पर विभाग ने 3 नमूने लेकर लैब के लिए भेजे हैं। 1,95,000 लीटर सरसों तेल किया गया जब्त। 1,85,000 रुपए अनुमानित है लागत। जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। जांच रिपोर्ट आने तक सामानों की बिक्री नहीं कर पाएगा दुकानदार। सर, दीपावली को देखते हुए किस तरह से खाद्य सुरक्षा जो है छापेमारी कर रहा है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान चल रहा है, क्या है पूरा मामला सर? दीपावली के अवसर पर विशेष हमारे निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन चीज़ों की विशेष जांच की जा रही है, जैसे खोया और मिठाइयाँ और तेलों का प्रयोग होता है, इन दो को फोकस करते हुए सारे अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयाँ हैं और रंगीन मिठाइयाँ विशेषकर, और ये सब, और ख़ासकर उन क्षेत्रों में, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल नए नए लोगों ने व्यवसाय शुरू किया, शहर की दुकानें तो चेक हो रही रही हैं, खासकर वो लोग जो त्यौहार के अवसर पर मिठाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं, उनको फोकस करते हुए कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब तक जो है हमारे जो 4 दिन की कार्रवाई में 14 नमूने भरे जा चुके हैं। जैसे आज कई बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, आज सबसे पहले सुबह बस अड्डे को चेक किया गया तो वहाँ पर करीब करीब 85 किलो बूंदी मौके पर मिला। कोई व्यक्ति उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद उसको विनिश्चितकरण उनका कराया जाएगा और कार्यालय में रखा गया है। इसके अलावा टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो सरसों तेल के नाम पर लाइसेंस ले गए थे, धानी का सरसों तेल, वो पैकिंग भी कर रहे हैं, वो बड़े स्तर पर, उनके यहाँ छापेमारी की गई। ये देवरिया अलावल जो है क्षेत्र, वहाँ पर है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इकाई, वहाँ मैंने चेक किया तो उनके यहाँ सरसों की एक दाना नहीं थी। वो बाहर से तेल ला के उसको बोतलों में टीनों में पैक कर रहे थे। चूँकि हमारे दिए लाइसेंस का उल्लंघन है, इसलिए उनके कार्य को रोकते हुए उनको आदेश किया कि काम नहीं करें, और साथ में उनके यहाँ जो 3 नमूने लिए गए हैं, एक सरसों तेल का और 2 राइस ब्रांड का, एक टैंक मतलब जो बड़ा टैंकर था उससे एक नमूना लिया गया और जो एक टीन थी 15 लीटर, ये 2 नमूने, टोटल 3 नमूने सरसों तेल के लिए। ऐसे लोगों पे विभाग किस तरह से कार्रवाई करेगा? इन पर 2 स्तर पर है, तो इनके कार्य को इनसे एक स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, तब तक कार्य बंद रखेंगे, और उसके अलावा इनको कार्य अभी करने से रोका भी गया है, और जो खाद्य पदार्थ हैं जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो सीज करके उनके कस्टडी में दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है तो आगे निर्णय लिया जाएगा।